बाद यूपी टीईटी का पेपर हुआ है रिलीज, कैंसिल किया गया है पेपर। एक महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा, सीएम योगी ने किया है ट्वीट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यूपीएसआरटीसी हेडक्यू अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है, जहां यूपी टीईटी का पेपर हुआ है रिलीज। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी, जहां कैंसिल किया गया है पेपर, एक महीने बाद दोबारा होगी टीईटी की परीक्षा, जहां सीएम योगी ने किया है ट्वीट। यूपीएसआरटीसी हेडक्वार्टर की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं भी दी जाएंगी। अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है, आप ट्वीट में साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों को ट्वीट कर जानकारी दी है, जहां एक महीने बाद दोबारा इस परीक्षा के कराए जाने के लिए आश्वासन दिया गया है, जहां सीएम योगी ने किया है ट्वीट। और ट्वीट में यूपीएसआरटीसी हेडक्वार्टर की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने की भी बात कही गई है। अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है, यूपी टीईटी के पेपर लीक होने का मामला आज सामने आया है, जहां तमाम औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी कार्यालय के पीछे लगी है भीषण आग। आग लगने से आवासीय कॉलोनी में मची है भगदड़, मौके पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां, आग बुझाने के प्रयास में जुटी है दमकल की टीम। काकोर मुख्यालय के एसपी कार्यालय के पास की है ये पूरी घटना। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एसपी कार्यालय के पीछे लगी है भीषण आग। आग लगने से आवासीय कॉलोनी में मचा है हड़कंप, मौके पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां, आग बुझाने के प्रयास में जुटी है दमकल की गाड़ियां। काकोर मुख्यालय के एसपी कार्यालय के पास की है ये घटना। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि औरैया के एसपी कार्यालय के पीछे भीषण आग लगी है। आग लगने से आवासीय कॉलोनी में मची है भगदड़, जहां मौके पर पहुंची हैं दमकल की गाड़ियां, आग बुझाने के प्रयास में जुटी है दमकल की टीम। काकोर मुख्यालय के एसपी कार्यालय के पास की है पूरी घटना। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। यूपी टेट परीक्षा का पेपर हुआ है लीक, जिसके चलते पेपर लीक होने से नाराज युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूंका है सीएम का पुतला, प्रदेश सरकार के खिलाफ की जम के नारेबाजी। एसपी कार्यालय के सामने कांग्रेसियों ने किया है प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द किया गया है, जहां पेपर लीक होने से नाराज है युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूंका है सीएम का पुतला। क्रिप्टो लेना है